दिल्ली वालों आप बताओ कि कुछ इसके बारे में। कपाट से बना हुआ है, दुनिया के सातवें अजूबों में से एक, पिरामिड इजिप्ट का। हेलो दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर वीडियो में। आशा करती हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी है अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। आज आए हैं हम वेस्ट टू वंडर इन दिल्ली। एक पार्क बना है जो वेस्ट सामान से बना हुआ है। ये टिकट खिड़की है जहाँ पर टिकट आम दिन होती है 50 रुपये और आज है इसकी कीमत 100 रुपये। काफ़ी भीड़ है आपको तो इसके बारे में प्रज्ञा बताएगी। है क्या इसमें यहाँ एक्चुअली हमें बताए। वेस्ट टू वंडर्स है यहाँ पे। वेस्ट से बने हुए 7 वंडर्स जो है हमारे वर्ल्ड के 7 वंडर्स, उनका वेस्ट से बनने हैं वो यहाँ पे। हाँ, वेस्ट से बने हैं, जैसे कि गाड़ियों के पार्ट्स होते हैं, लोहे के सॉरी जो भी, उन सब से पूरा बना हुआ है। और रात के टाइम पे यहाँ पे लाइटिंग हो जाती है तो बहुत सुंदर दिखते हैं वो। तो अभी हम आपको वो दिखाएंगे। चलो दोस्तों, यहाँ विश्व के 7 अजूबे वेस्ट सामान से बनाए गए हैं, जिनमें सबसे पहले है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जो कि मिस्र में स्थित है। यहाँ उसकी एक प्रतिकृति बनाई गई है जो किसी गाड़ियों की जो पाइप होती हैं या उनका जो लोहा होता है उसे इसको बनाया गया है। मिस्र के पिरामिड को देखने के लिए हर साल 1,40,00,000 लोग विजिट करते हैं। और जो बोलते हैं दिल्ली में ग्रीन ग्रीन है, वो वैसे पार्क बहुत अच्छा बना हुआ है ना। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दिल्ली में पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है भाई, भयंकर भीड़ है। भीड़ क्या, भीड़ वाली भीड़ है। इन पिरामिड के बाद दूसरा अजूबा है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, यानी पीसा की झुकी हुई मीनार। इसकी भी बहुत सुंदर प्रतिकृति यहाँ पर बनाई गई है। एक्चुअली यहाँ जो पीसा की झुकी हुई मीनार है, इसकी हाइट है 25 फीट, जबकि इसका जो ओरिजिनल झुकी हुई मीनार है इसकी हाइट है 183 फीट। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है ये झुकी हुई मीनार। अगला अजूबा है हमारा एफिल टावर, जो कि फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित है। आज संडे की वजह से काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है एफिल टावर। बचपन से इच्छा थी इसको देखने की, अभी तक देख नहीं पाई, लेकिन इसकी प्रतिकृति भी बहुत ही खूबसूरत है। इन लोगों की भीड़ को चीरते हुए हमने इसकी खूबसूरती के नज़ारों का आनंद लिया। एक्चुअली इस एफिल टावर की यहाँ ऊंचाई है 60 फीट। एफिल टावर की ओरिजिनल हाइट है 1,063 फीट। यहाँ करीब 70,00,000 लोग हर साल इसको देखने के लिए आते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं हम। अगला अजूबा है क्लोजियम। इसकी हाइट 15 फीट है, इसकी ओरिजिनल हाइट है वो 415 फीट है। चौड़ाई इसकी 156 फीट है। खासियत इसकी यह है कि यहाँ 65,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरती से इसको बनाया गया है। इससे अगला जो हमारा अजूबा है वो है भारत का ताजमहल। इसे विश्व की सबसे सुंदर कृति माना जाता है। ये आगरा शहर में स्थित है। इसकी ऊंचाई यहाँ पर 20 फीट है और ओरिजिनल ऊंचाई है 220 फीट। बहुत ही खूबसूरत है। अगला अजूबा है रियो रेडिमर, जो कि रियो डी जेनेरियो शहर में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 25 फीट और ओरिजिनल ऊंचाई है 124 फीट। यह है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 30 फीट और ओरिजिनल ऊंचाई है 305 फीट। आप देख सकते हैं इसको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों से बनाया गया है, जो कार या हमारे जो रिसाइकल बिन करके कार या इसी तरह किसी वेस्ट सामान से इसको बनाया गया है, जो वाल बेयरिंग होते हैं इन सब से बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। लेकिन है इसमें सारा का सारा वेस्ट सामान जो किसी काम का नहीं था, गाड़ियाँ जो खराब हो जाती है, रेडियाँ जो खराब हो जाती है, उनसे इसको बनाया गया है। यहाँ सभी चीज़ों को उन्हीं चीज़ों से बनाया गया है। यहाँ हमने इंटर किया था शाम के समय, लेकिन घूमते घूमते रात हो चुकी है, तो रात के नज़ारे यहाँ बहुत ही खूबसूरत है। जैसे हम इंटर करते हैं तो सामने एक सिपाही या फौजी बना हुआ है,
जिसको आप नजदीक से देख सकते हैं। और देखें इसको कितने छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों से बनाया गया है। इसके पैरों को, जूतों को देखें, जो भी गाड़ी का वेस्ट सामान था उसको निकाल निकाल कर इसको सजाया गया है और बहुत ही खूबसूरती से इसको बनाया गया है। बाकी जो अजूबे हैं उन्हें भी इसी तरह के सामान से बनाया गया है। दोस्तों जब भी आपका दिल्ली जाना हो इस जगह को जरूर देखें, बहुत ही खूबसूरत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो सामान काम का नहीं है उससे इसको बनाया गया। बैठने के लिए जगह है और वैसे ग्रीन ग्रीन पार्क है, ग्रीन एरिया। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और ब्लॉग, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें।